हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बस सबसे पहले जेनविनली जो भी आपकी कैट प्रिपरेशन को लेके फीलिंग है ना वो नीचे कमेंट में जरूर एक्सप्रेस करना आपको क्या लग रहा है चीजें आपकी ऑन ट्रैक चल रही हैं तो वो लिखना अगर आपको लग रहा है नहीं सर मेरा कॉन्फिडेंस चला गया वो लिखना अगर आपको लग रहा है सर मैंने सब कुछ करा हुआ है लेकिन पता नहीं मॉक्स में नंबर क्यों नहीं आ रहे वो नीचे लिखना अपने आपको जो भी भाई आपको एक्सप्रेस करना है नीचे में जरूर एक्सप्रेस करना क्योंकि जब आप आपने आपको एक्सप्रेस करते हो ना फिर आप अपने आपको एक्सेप्ट करते हो और एक्सेप्टेंस के बाद लाइफ में आता है इंप्रूवमेंट तो अगर आप उस इंप्रूवमेंट के लिए तैयार हो तो सबसे पहले नीचे जाके कॉमेंट में एक्सप्रेस जरूर करना एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने

मैंने बेसिक हर चीज़ का कर लिया है लेकिन मैं स्कोर नहीं कर पा रहा मेरे मॉक्स में नंबर नहीं बन पा रहे मैं करूं तो करूं क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी गलती कहां हो रही है मैं क्वेश्चन नहीं पिक कर पा रहा मैं उस टाइमर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा अटेम्प्ट कर रहा हूं तो गलत हो जा रहा है एक्यूरेसी नहीं बन पा रही हो सकता है आपके सामने ये चैलेंज हो दूसरा स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो बोले सर मेरे से ना गिवअप करना है मैंने बहुत कोशिश कर ली मैं नहीं कर पा रहा मेरे से हो ही नहीं रहा मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं कि मैं कैट एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा तो मैं आपको सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ हो सकता है आप ऑफ ट्रैक हो गए हो हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे रीज़न रहे हो जिसकी वजह से भाई आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए आपके पास ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था घर में कोई फैमिली इशू था लेकिन अगर आप आज मुझे कमिटमेंट करो सर मैं वन मंथ का नॉन स्टॉप हार्डवर्क देने के लिए तैयार हूँ क्या आप मुझे अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ पहुंचा सकते हो तो भाई शायद आपको यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल जाए या फिर आपको लगता है कि मुझे अपनी सर कैट परसेंटाइल बूस्ट करनी है मैं सेवेंटी तक आ गया हूं एट्टी तक आ गया हूँ मैंने मॉडरेट लेवल भी कर लिया है लेकिन एग्जाम से पहले जो वो फाइनल रिविजन चाहिए होता है ना कि सर मेरे को एक फाइनल रिविजन करा दो तो उन रिविजन के लिए ये वर्कशॉप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन वर्कशॉप्स को अटेंड करने के बाद आदित्य जैसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने 99.92 पॉइंट परसेंटेज अचीव करा बहुत सारे मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ लिए हैं आपको दिखाऊंगा अभी जहां पे बच्चे का 40 50 आ रहा था एक्चुअल एग्जाम में 97 98 आया है लेकिन आपको वन मंथ ऑफ हार्ड वर्क मुझे देना पड़ेगा अगर आप ये एश्योर कर दो सर मैं आपको वन मंथ का कमिटमेंट दे रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी जो कैट परसेंटाइल है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो सकती है काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एक परफेक्ट रिविजन आपका हो जाए तो गिव अप करने से पहले आज हम एक फाइनल ट्राई देंगे एक लास्ट अटेम्प्ट देंगे ये जो थर्टी डेज़ की वर्कशॉप है इनका पर्पस क्या है समझो जब हम कैट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कैट का जो एग्ज़ाम है ना ये एक मैराथन है ये कोई स्प्रिंट नहीं है यहां पे आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है लेकिन जब उस मैराथन का लास्ट लैप आता है ना तब आपको अपनी बेस्ट रनिंग करनी पड़ती है ताकि आप अपने फाइनल जो टाइम है उसको बेटर तरीके से कंप्लीट कर पाओ तो इन वर्कशॉप में हंड्रेड प्लस आवर्स की मैं आपको एक कंप्लीट रिविजन कराने वाला हूँ ठीक है और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा कॉन्सेप्ट के लिए ऑलरेडी मेरी बूस्टर वीडियोस बनी हुई हैं आप मेरे को ऐसा स्टूडेंट जो कहता है सर मुझे कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है तो आपको मैं वो बूस्टर वीडियो का लिंक दे दूंगा वो वीडियो देख के क्लास में आओगे क्लास के अंदर हम एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटजी फॉलो करते हैं थर्टी सिक्सटी नाइन्टी इस स्ट्रैटजी का मतलब क्या हुआ जब मैं क्वांट्स आपको कराऊंगा तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कुछ मॉडरेट होते हैं कुछ एडवांस होते हैं तो सबसे पहली चीज तो हमें यह पिक करना सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और वो क्वेश्चन मैं थर्टी सेकंड में कैसे कर पाऊंगा सिक्सटी सेकंड में कैसे कर पाऊंगा मॉडरेट वाले क्वेश्चन और नाइनटी सेकंड में कैसे कर पाऊंगा एडवांस वाले क्वेश्चन ये मेरी क्वांट की स्ट्रेटजी रहती है अगर मैं एल डी की बात करूँ तो मैं वहाँ पे मैथड फॉलो करता हूँ एट टेन ट्वेल्व मैं आपको ऐसे सेट कराऊंगा जो आपको कैट में देखने को मिल सकता है उसी पैटर्न में क्वेश्चंस हर साल बनते हैं क्योंकि ये वर्कशॉप्स मैं पिछले पाँच साल से करा रहा हूँ तो हर साल मैं ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ स्टूडेंट्स को जिसके बाद उनको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि सर एग्ज़ाम में सेट कैसे पिक करें हम कौन सा क्वेश्चन अप्रोच करें कौन सा क्वेश्चन नहीं करें कौन से क्वेश्चन में हमें बारह मिनट लगने हैं कौन सा क्वेश्चन हमें कब छोड़ना है ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी फ़िक्स हो जाएंगी सिमिलरली वर्बल में हम यही मेथड फॉलो करते हैं टाइमर टेक्निक होती है वर्कशॉप होगी तो इन वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है आपकी एक तो एक्यूरेसी बेटर हो एंड आपके नंबर ऑफ अटेम्प इंप्रूव हो ये दो चीजें अगर आपने कर ली तो भाई आपका ओवरऑल कैट का परसेंटाइल बूस्ट हो जाएगा इन हंड्रेड प्लस आरस में हर दिन जब आपकी क्लास होगी थ्री से थ्री पॉइंट फाइव आवर्स की फोर आवर्स की तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मैं हर दिन जब मेहनत हूँ तो आपके अंदर एक डेडिकेशन रहेगी हाँ यार आज सर मुझे परसेंटेज कराने वाले हैं आज सर मुझे आर uh, सी कराने वाले आज मेरी एल की क्लास होने वाली है तो हर दिन जब आप पम्पडअप रहोगे तो आप मॉर्निंग में अपने नोट्स रिवाइज कर लोगे जो भी आपने पढ़ा है अब तक नहीं पढ़ा तो बूस्टर बैच की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप देखोगे आपका बेसिक क्लियर हो गया फाउंडेशन डेवलप हो गया फिर आप डायरेक्ट क्लास के अंदर एंटर करोगे एंड पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से परफेक्ट रिविजन जो चाहिए होता है ना कि एग्जाम से पहले सर मेरा क्वांट एल आर वर्बल पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करा दो मुझे एग्जाम ओरिएंटेडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन करा दो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इन वर्कशॉप में मिल जाएगी तो अगर मैं बात करूं कि इन वर्कशॉप की डिटेल्स क्या ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है टेंथ ऑफ नवंबर मतलब थर्टी डेज बैक टू बैक हर दिन आपकी क्लास होगी नो ब्रेक इन बिटवीन और हर दिन हम लोग नाइन से ट्वेल्व मिड आफ्टर योर ऑफिस आफ्टर योर कॉलेज आप इन वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो किसी रीजन की वजह से अगर आपकी कोई वर्कशॉप रह जाती है या फिर आप सारी वर्कशॉप को रिवाइज करना चाहते हो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाईली आपको बोलूंगा कि आप लाइव अटेंड करो क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लाइव में ऐसा रिविजन कर पाओ प्रेशर सिचुएशन को डील कर पाओ एंड उसके बाद आपके पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे थर्टी सिक्सटी नाइनटी का अप्रोच रहेगी एक्यूरेसी अटेम्प्ट आपके इंप्रूव हो गए इसका जो फी स्ट्रक्चर दैट इज फाइव ट्रिपल नाइन लेकिन अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है तो आप फोर्थ ट्रिपल नाइन में एनरोल कर सकते हो सारी की सारी वर्कशॉप के लिए एंड पूरा का पूरा रिविजन हो जाएगा और ये जो वर्कशॉप्स हैं ये आपके पास कैट एग्जाम तक वैलिड रहेगी ठीक है वेबसाइट है स्टडी बस डॉट को डॉट इन मैं आपको डेमो लेक्चर्स भी नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं उनको आप देख सकते हो किस टाइप से मैं क्वेश्चंस कराता हूं आपको भी समझ में आ जाएगा क्या हमारा पूरा का पूरा अप्रोच रहने वाला अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो आप देख सकते हो पहले ही पूरा टाइम टेबल बन चुका है ताकि आप बिल्कुल सॉर्टेड रहो तो ट्वेल्थ अक्टूबर को सबसे पहले हम लोग क्वांट्स करेंगे ट्वास में टाइम एंड वर्क एंड पाइप फिल सिटम की वर्कशॉप है जो मैं आपको कराऊंगा उसके बाद आपकी परसेंसेंजेज प्रॉफिट एंड लॉस है फिर मिसलेनियस एल आर है जिसमें हम आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा एंड एग्जाम टाइप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में करना होता मेरा खुद एल में नाइन्टी नाइन है मैं आपने देखा हुआ है मैं मल्टीपल हजारों वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ चैनल पर इतने सालों से तो एकदम वही अप्रोच मैं सोल्व करूंगा जो आपको एग्जाम में चाहिए होगी तो आप भाई देख सकते हो कैसे मुझे सोल्व करना है फिर एवरेजेस और रेशो की क्लास है उसका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फिर

जोमेट्री मॉडर्न मैथ्स नंबर सिस्टम पूरा पूरा इंग्लिश करा दिया आर भी हो गया नॉन आर टॉपिक जो एबिलिटी टॉपिक्स है वो हो गए एल आर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी मिक्सड वर्कशॉप बनाइए ताकि आप एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन के साथ डील कर पाओ जिसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा टेबल गेम्स टूर्नामेंट क्रिटिकल पाथ अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स पजल आइंस्टाइन पजल जबरक पजल्स हर एक चीज को हम लोग यहाँ कवरअप करेंगे ताकि एक एक चीज बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हो पाए अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डेमो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आप आराम से देखो इस तरह के लाइव होंगे जिसमें में टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे होंगे एंड इसके बाद यहाँ पे आपके सामने क्लास कॉन्वर्जेशन होगी आराम से आप भाई अपने जो भी क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर सकते हो पूछ सकते हो एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी की सारी वर्कशॉप चलेंगे अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखाऊं कैसे रहे हैं वर्कशॉप के बाद बच्चों का फीडबैक तो आदित्य गर् नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन टू परसेंट हालां और इस बच्चे ने वर्कशॉप ज्वाइन की जिसने बोला परफेक्ट फॉर रिवीन एंड प्रैक्टिस ठीक है उसका नंदिता पांडे नाइन्टी नाइन जीरो आया थैंक यू टू द टीम स्टडी बस उसके बाद केविन पीटर पॉल नाइनटी नाइन पॉइंट जीरो स्ट्रक्चर्ड कोर्स इसके बाद अगर आप देखोगे अंशु भाटिया एंड इस बच्चे ने 2018 में ज्वाइन किया था तो अब आप सोच सकते हो 2018 से इन वर्कशॉप्स का इंपैक्ट कितना हैवी है इस बच्चे ने स्कोर किया था नाइन्टी नाइन पॉइंट एंड इसने बोला द द लास्ट मिनट पुश यूजिंग कैट एडवांस वर्कशॉप बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस अप माइ कॉन्सेप्ट इट वॉज माई फर्स्ट कैट अटेम्प्ट एंड द ओनली चैनल आई अटेप एंडलीड वी बस राहुल कुमार देख सकते हो नाइन नाइन पॉइंट जीरो इस बच्चे ने भी वर्कशॉप ज्वाइन की थी इस बच्चे ने बोला माई एक्सपीरियंस स्टडी बस वॉज ओवरवेलमिंग आई सॉ सीरियस इंप्रूवमेंट इन माई परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्कशॉप ऑल माइ कॉन्से रिवाइज उसका दिव्यम तांतिया नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री वन परसेंटेज बच्चे ने अचीव किया और इसने बोला ग्रेट वर्कशॉप

टॉपिक बिफोर एक्साम एंड प्रोवाइडेड मच नी हाउ टू टैकल सच क्वेश्चन लॉट इन द रिविजन फॉर लास्ट वन मंथ उसके बाद आदित्य गोयल नाइनटी से बच्चे का मैंने पूरा इंटरव्यू भी चैनल पर लिया इन कैट एंड अचीव किया नाइनटी से इसके बाद आप देख सकते हो हिमांशु नाइन्टी एट पॉइंट जीरो फोर द थर्टी सिक्सटी नाइन्टी स्ट्रेटजी हेल्प यू टू बिल्ड द मेटल स्टैमिना दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कैट देन आप कशिश देख सकते हो नाइनटी सेवन पॉइंट सेवन एट इस बच्चे ने भी यही चीज़ बोली है देन आप शीष जीत देखोगे नाइन्टी सेवन पॉइंट सेवन वन निखिल गुप्ता नाइनटी सेवन पॉइंट फोर टू द थर्टी सिक्सटी नाइन्टी रूल वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल and the mocks are very relevant uske baad agar aap dekhoge, ankush mishra 97.70 advanced course of study bus helped me clear my concept and gave me a boost to my speed for solving such questions Somya gupta 97.16 advanced workshop was really helpful in brushing my concept and gaining confidence Meghana, 97.48 the workshops were very helpful all those topics were covered in depth then ananya Anand Krishna, 97.46 then aap gagan sharma 96.86 हर्षित रागम 96.86 इस तरह के बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है एंड अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो आप बोलो सर मैं ये कमिटमेंट दे रहा हूँ थर्टी डेज में मेहनत करूंगा यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते सर मैंने पांच वर्कशॉप करी बाकी छोड़ दी अगर आप मुझे सीरियस कमिटमेंट देते हो सर ये थर्टी डेज जो आप पढ़ाओगे मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ एक भी क्लास में मिस नहीं करूँगा तो ये वर्कशॉप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ट्राइड एंड टेस्टेड है हजारों बच्चों ने हर साल ट्राई करी है अगर आपको लगता है कि रिविजन चाहिए आप डेमो लेक्चर्स देखो आपको लगता है मेरा पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है जिस तरीके से मैं क्वेश्चन अप्रोच करता हूँ चाहे का हो एल का वो आपको लगता है फ्रूटफुल है तो आप इन वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना है स्टडी एंड आप हमें कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हो डबल नाइन फाइव एट नाइन थ्री डबल सेवन जीरो फाइव पर तो आई होप आप भाई इन वर्कशॉप का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना अगर आप इन वर्कशॉप्स के लिए रेडी हो तो अभी एनरोल करके अपना डिस्काउंट अवेल कर सकते हो नीचे कमेंट कर देना सर आई एम रेडी फॉर द वर्कशॉप्स एंड उसके बाद एक परफेक्ट रिविजन की बिगनिंग करते हैं बिल्कुल भी गिवअप नहीं करना है चाहे मॉक में स्कोर नहीं आ रहा चाहे आपका सिलेबस पूरा सही से कम्प्लीट नहीं हो रहा कहीं पर कोई गैप रह गया है हर एक चीज़ हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे क्योंकि हमारा एक ही मोटो है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट थैंक यू सो मच टेक केयर एंड गुड लक